यूपी में कांग्रेस के संभावना? हाँ मैडम, थोड़ा हंसने का परमिशन है का? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूँ आसिया, लेकिन पहले बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान का। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के सामने दिए गए उनके एक बयान, एक भाषण का अंश कांग्रेस और प्रियंका गांधी के लिए अब असहज स्थिति बना रहा है। भाषण के दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने बिहार यूपी के लोगों के लिए पंजाब में फटकने नहीं देने की बात कही और इस पर प्रियंका गांधी की हंसी और ताली की वजह से विपक्षी उन पर निशाना साध रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वो जिनकी बकवास सुनकर आने लगता है चक्कर। नाम पूछिए तो बताते हैं लाल बुझक्कर। क्यों जी लाल बुझक्कर जी, ठीक कहा ना? चुनाव के टेम है मैडम, तो हमहू नारा लगाते हुए कहेंगे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है हमरे टक्कर में। बकवास करेगा मामले में मैडम? ये तो ठीक कहा आपने, बकवास करने में आपकी बराबरी फिलहाल तो कोई कर ही नहीं सकता। वैसे मैडम, ये गलत फहमी तो हमको भी था, लेकिन ये जब से प्रचार शुरू हुआ है ना, लगता है ढेरे कंपटीटर हमसे आगे निकल रहे हैं। एक्चुअली अंग्रेजी में बोले तो दे आर चैलेंजिंग मी। अच्छा, वो आपको क्यों चैलेंज देंगे? तो मैडम फिर वही केकरा चैलेंज देवे खातिर ऐसा ऐसा लटपट बोला जाता है? अरे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं तो अपने फायदे के लिए बोलते ही है। तो अपना फायदा में दूसर का नुकसान करा दीजिएगा का? कौन नुकसान करा दिया, किसका नुकसान करा दिया? बहुत दिन बाद बोल रहे हैं मैडम, समझे वाले समझ गए, जे ना समझे हुआ नाड़ी है। इधर उधर की आप बातें छोड़िए और मुद्दे पर आइए। तो हमको तो लगा मैडम हम मुद्दे पर ही है, फिर बकवास। देखिए मैं कह रही हूँ कि चन्नी साहब ने प्रियंका जी के सामने बिहार और यूपी के लोगों के लिए जो कहा उस पर आप क्या कहेंगे? बकवास हम नहीं करेंगे मैडम, हमको लगता है ना चुनाव में और पाजी से निपटे में तनी बेसी बेजी हो गए हैं चन्नी साहब, अपने नेता का ट्वीट नहीं पढ़ पाए लगता है। कुछ भी बोल देना है, आपको कैसे पता कि वो अपने नेता का ट्वीट नहीं पढ़ पाए? का मैडम आप ही ना, आप ही बताइए, अगर पढ़े होते तो ऐसन बात बोलते का? एकदम में नहीं बोलते। जानती हैं कहीं पढ़े थे कि उनके नेता लिखे थे कि हमारे संघ की ताकत है हमारी संस्कृतियों की एका, हमारी विविधता की एका। हमको तो लगता है मैडम ना कि पढ़े होते तो ऐसन बात एकदम नहीं कहते, वो तो उनका बात को सीरियसली लेते ना। लेकिन यूपी बिहार के भैये वाली बात पर प्रियंका जी की हंसी और ताली ने उनके लिए असहज स्थिति तो बना ही दी ना। आप भी ना मैडम, अबे मैं प्रियंका दीदी का दोष है? देखिए मैडम, भले सीएम कैंडिडेट नहीं बनने पर पाजी के राज में कुछ तो असर पड़ा है, लेकिन पाजी का असर तो रहेगा ना। हो सकता है इसी में हंसी आ गया हो और ठोको ताली भी हो गया हो, अब विपक्षी लोग बवाल मचैले हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका जी को पंजाब की बहू भी बताया, उनकी तारीफ की, उनकी बातों से प्रियंका जी भी खुश लग रही थी। ई तो उन्हें बतावेंगी कि वो इतना खुश काहे थी, लेकिन मैडम एक बार हमहू बहुत खुश हुए थे, कहिए तो ओकर कहानी बतावे। बताइए, आप बताए बिना मानेंगे क्या? ई तो आप राइट बोली है। तो मैडम हम बता रहे थे, अखाड़ा लगल था सामने हमरा शिष्य, दंगल शुरू हुआ, हमरा शिष्य हमरे पैर के तरफ झुका, हम आशीर्वाद देवे को हाथ ऊपर किए, तो वो हमरा पैर पे झुका, लेकिन इका ले बलैया हमरे टंगड़ी खींच दिया, हम चारों खाने चिप। का बुझी? कुछ भी नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ये मैडम कि आपके पैर पर गिरे वाला अदबिन अपना फायदा के लिए आपके पैर के नीचे से जमीन भी खींच सकता है। काबू जी? कुछ भी नहीं। नहीं समझी? कोई बात नहीं, बड़ बड़ लोग नहीं समझ पाता है कई बेर। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस घटनाक्रम के बाद यूपी में कांग्रेस की संभावना को झटका लग सकता है? का कहीं मैडम, यूपी में कांग्रेस के संभावना? हाँ मैडम, थोड़ा हंसने का परमिशन है? हंसना क्यों आपको? वो पाजी का एगो जोक याद आ गया था और कुछ नहीं। बकवास बंद कीजिए, पता भी आपको कांग्रेस ने यूपी चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन दिया है। पर मैडम हमको पता चला है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के
पोस्टर गर्ल जो है ना पोस्टर से निकल गई है और दूसरे दल में चली गई है। मैडम एगो बात और कहेंगे, कहिए मैडम। समझदार लोग जो होते हैं ना वो निश्चित के छोड़ के अनिश्चित के तरफ नहीं भागते। काहे कि जे अनिश्चित की ओर भागते हैं उनका अनिश्चित अनिश्चित होता ही है, निश्चित भी अनिश्चित हो सकता है। ये तो बड़े ज्ञान की बात बता दी आपने। तब मुस्कुराइए और ताली बजाइए। मैं नहीं बजाती। इसलिए आप बड़ा नेता नहीं बन सकती। फालतू बातें छोड़िए, क्या कह रहे थे वो साफ साफ समझाइए। देखिए मैडम, हमको लगता है ना कि प्रियंका जी के लगा है कि यूपी में बस लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन पंजाब में पार्टी जीत भी सकता है, इसलिए वहाँ यूपी के बेटी से पंजाब के बहू पर जोर दी। और यूपी बिहार के लोग इससे दुखी नहीं है? ये पब्लिक है मैडम, यह दास्तनी कमजोर होता है। कितनों गाले मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी, पर कुछ दिन में सब भूल जाते हैं, और ये बात हर नेता जी को पता होता है। क्या बुझी आपकी बातें, आप ही बुझो लाल बिचक्कर। फिलहाल तो ये मुद्दा गर्म है और हर राजनीतिक दल इसे अपनी तरह से भुनाने में लगा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और लाल बुझाकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।